क्या आप अपना UPI पिन भूल चुके हैं? तो आप उसको कैसे रीसेट करेंगे? फोन पे ऐप के माध्यम से कैसे UPI पिन को रीसेट करते हैं? आप अगर रीसेट करने का पूरा तरीका देखना चाहते हैं तो वीडियो की स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका JRN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोन पे ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद बाएं तरफ जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करते ही इस तरह एक नया पेज ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंडियन बैंक लिंक किया हुआ है फोन पे से, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और UPI की रिसेट करके दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह आ जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है UPI पिन, इसके दाएँ तरफ यहाँ पर लिखा है रीसेट। तो आप अगर UPI पिन को भूल चुके हैं तो यहाँ पर रीसेट लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं और फिर इस तरह के एक पेज ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो ATM कार्ड है, ATM कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट है वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद वैलिड अप टू, मतलब आपका ATM कार्ड में जो वैलिडिटी लिखा है उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर मंथ को और यहाँ पर ईयर को लिखना है। मैंने यहाँ पर कार का नंबर और वैलिडिटी सब कुछ लिख लिया है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोसीड लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर में एक OTP आएगी। उस OTP को यहाँ पर लिखने के बाद नीचे लिखा है सेट UPI पिन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नया UPI पिन को सेट करना है। नया UPI पिन मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद दाएं तरफ नीचे राइट लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर UPI पिन को कन्फर्म करने को कहते हैं। मैं UPI पिन को दोबारा डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर राइट लिखा है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और राइट के ऊपर क्लिक करते ही नया UPI पिन सेट हो जाते हैं। तो इस तरह आप फोनपे ऐप के माध्यम से UPI पिन को रीसेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।